उत्तर पश्चिम रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने अब तक कुल 5,145 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल मार्ग का विद्युतीकरण कर लिया है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 93% है। वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे ने 1,127 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया है। ये कार्य महाप्रबंधक अमिताभ के कुशल निर्देशन और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के नेतृत्व में तीव्र गति से संपन्न हुआ है। कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी है कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर 160 जोड़ी रेलगाड़ियां अब विद्युत ट्रैक्शन पर संचालित की जा रही है। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायक है, बल्कि परिचालन लागत में भी कमी लाएगा और रेलवे के लिए एक सतत विकास की राह खोलेगा। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण लगातार कर रही है और काफ़ी हम तीव्र गति से इस पूरे परियोजना को हम एक संबल रूप दे रहे हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में बात करें तो लगभग 93% हमारे जो रूट किलोमीटर है उनका हमने विद्युतीकरण कर लिया है, कि जो कि लगभग 5100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जो हमारे मुख्य मार्ग हैं ये सारे विद्युतीकरण हो चुके हैं। और अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, वित्तीय वर्ष की 2023-24 की, तो हमने 1100 से भी ज़्यादा रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, जिसके फलस्वरूप हम 160 जोड़ी से भी अधिक गाड़ियों का विद्युत कर्षण या जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उस पर हम चला रहे हैं। विद्युतीकरण ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा ये किफ़ायती भी है और जो हमारा डीजल पर जो निर्भरता है वो भी कम होती है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो बाकी बचे हुए जो हमारे रूट हैं लगभग 300 सुपर किलोमीटर है, इनको भी इस साल हम कंप्लीट कर सकेंगे। हमारा पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रयास है कि विद्युतीकरण के माध्यम से हम यात्रियों को एक संरक्षित, सुरक्षित और बेहतर रेल सुविधा प्रदान कर पाएंगे।